तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 12 इंची वाला बाथरूम का जो जाली होता है वो फिट किया जाएगा यहाँ पे। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाइप नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बेंड दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप कैसे फिट कीजिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ई वाला जाली हमको फिट करना है, ई वाला जाली। इसमें देखिए ये आपका 1.5 इंच है, 1.25 इंची है, ये आपका अंदर जाएगा। जो अंदर जा रहा है तो ये पाइप पे टकरा जा रहा है। यहाँ पे जो अंदर में बेंड लगा हुआ है 4 इंची का, यानी 110 mm का बेंड ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये टकरा रहा है। तो यहाँ पे कैसे फिट कीजिएगा इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। और ये बहुत बढ़िया ये जाली है, इसमें पानी बहुत अच्छी तरह से पास कर देता है और इसमें चूहा वगैरह और कीड़ा वगैरह इसमें आने का संभावना नहीं रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर से जैसे पानी जाएगा तो ये नीचे की तरफ दबेगा। देखिए जैसे पानी आएगा तो नीचे की तरफ ये दब जाता है इसे, और पानी पास कर जाएगा, कचरा चला जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। तो इधर से कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें जाने का संभावना नहीं है। और ये आपका बहुत चौड़ा वाला जाली है, जो भी पानी होगा वो जल्दी पास कर जाएगा। और उसके ऊपर से भी ये आपका जाली दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका चाबी है इसको निकालने के लिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फटाफट करते हैं हम इसको, अब सफाई करते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसे इसको फिट करना है। तो सबसे पहले आपको इसको सफाई कर लेना है, उसके बाद इसको मशीन से इसको कट कर किया जाएगा, 1/2 इंच कट करना है। तो दोस्तों जब तक हमने इसको सफाई कर रहे हैं, जब तक आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट में बताएं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्लियर फ्रेश कर चुके हैं, और देखिए ये बिल्कुल आपका क्लियर बैठ जा रहा है। आपको 2 सूट आपको डाउन रखना है, इससे 1 से 2 सूट आपको डाउन रखना है ताकि इधर का पानी जो भी हो इसमें गर के इसमें आपका चला जाए। और इसमें ध्यान देना है कि ग्राउट जो भी इसमें भरना है क्लियर बराबर आपको प्रॉपर भरना है, ताकि कहीं साइड से आपका लीकेज ना हो। नहीं तो अगर बराबर नहीं भरेंगे तो साइड से अगर जो भी आपका लीकेज होगा इसमें, वो आपका बाथरूम का नीचे जो छत का सेलिंग होता है वहाँ से आपका पानी टपकना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको बराबर इसको भरना है, जैसे कि हम आप देख सकते हैं कि हम कैसे इसमें भर रहे हैं। हम लोग बराबर लगा चुके हैं, और इसमें भी आपको साइड से भी भरना है ताकि ये बाहर आपका गैप है, अगर इसमें साइड में आप नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे गैप रह जाएगा, साइड में जाने के लिए पानी आपका गैप छूट जाएगा, इसमें भी आपको भरना है। तो दोस्तों देखते हैं हमने अंदर वाला जो प्लेट होता है उसको हमने अंदर बैठा चुके हैं। आपको जितना अपनी डाउन रखना है अपने हिसाब से आप डाउन रख सकते हैं। हमने प्लेट को अच्छी तरह से बैठा चुके हैं। ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको आपको बैठाना है, इसमें यहाँ पे इसे आपको बराबर करके बैठा देना है। उसके बाद ये जाली है इसको बराबर आपको रखना है, और उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो भाग वाला जाली है ये आपको लगाना है। और इससे जो टाइल्स लगा हुआ है इससे आपका 1 से 1.5 सूट ये डाउन है, ताकि जो भी पानी आएगा ये घर के अंदर आपका चला जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल घंटी के दबाना ना भूलें।
ताकि जो भी मैं नए पुराने वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके तक जब पहुँचे और वीडियो आप से जानकारी मिल सके।